हेलो फ्रेंड्स, छोले एक ऐसी डिश है जो हम अपने घर में मोस्टली बनाते रहते हैं, मगर आज जो छोले की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आप उंगली ना चाट जाए तो कहिएगा। छोले जो हम लोग मैरिज पार्टी में खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे। तो शुरू करते हैं छोले बनाना। छोले बनाने के लिए मैंने एक कप छोले, जिन्हें हम काबुली चना भी बोलते हैं, 200 ग्राम लिए हैं और उन्हें मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। अब मैं इन छोलों को बॉईल करूंगी। उसके लिए कुकर में हम छोले डालेंगे, साथ ही मैं इसमें 3 मीडियम साइज के आलू, जिनका मैंने छिलका उतार दिया है, ऐड करूंगी। साथ ही मैं साबुत लाल मिर्च डालूंगी, एक तारा फूल जिसे हम स्टार एनीस बोलते हैं, 2 डालूंगी। 4 तेज पत्ते मैंने यहाँ लिए हैं, वो ऐड करूंगी, और 3 से 4 काली मिर्च इसमें हम ऐड करेंगे। साथ ही मैं इसमें 25 ग्राम इमली ऐड करते हुए 1 छोटी चम्मच नमक डालूंगी। फिर इसमें 1.5 कप पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 से 6 विसल्स लेंगे मीडियम फ्लेम पर। छोले बॉईल हो रहे हैं, तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले के लिए हम एक कढ़ाई में 1/2 कप ऑयल लेंगे। यहाँ ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हम ये हलवाई स्टाइल के छोले बना रहे हैं, इसलिए ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे, 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया ऐड करेंगे और साथ ही 2 तेज पत्ते इसमें डालेंगे, 4 से 5 काली मिर्च डालेंगे और इन्हें कुछ सेकंड के लिए पकने देंगे। हलवाई लोग यहाँ रेड कलर के लिए रतन जोत भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप चाहे तो यहाँ रतन जोत भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें 2/3 कप प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे और चलाते हुए उसे कुछ सेकंड के लिए पकने देंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और फिर से इसे चलाएंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। यहाँ हम फ्लेम को लो ही रखेंगे। पेस्ट अच्छे से भुन गया है, तो अब हम इसमें क्रश्ड तिल, खसखस और मूंगफली ऐड करेंगे और इन्हें मिक्स करते हुए अच्छे से चलाएंगे और 1 मिनट के लिए पकने देंगे। यहाँ मैंने 1 छोटी चम्मच तिल, 1 छोटी चम्मच खसखस और 1 छोटी चम्मच मूंगफली को पहले से क्रश करके रख लिया था। अब हम इसमें 1/3 कप टमाटर प्यूरी ऐड करेंगे, इसे अच्छे से चलाएंगे और फिर हम इसमें 1/4 कप टोमेटो केचप ऐड करते हुए दोबारा चलाएंगे। इसे हमें 5 से 6 मिनट के लिए भुनने देना है और बीच बीच में चलाते रहना है। हलवाई स्टाइल बनाना है अगर आपको, तो टोमेटो केचप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि हलवाई लोग इसमें टोमेटो केचप ज़रूर डालते हैं। देखिए, ऑयल मसाले में से अलग होने लगा है। अब इस स्टेज पर हम इसमें 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। 1 छोटी चम्मच नमक मैंने छोलों को बॉईल करते वक्त भी ऐड किया था। इसके साथ ही 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी यहाँ हमें कम ही डालनी है और साथ ही 1 पिंच हींग डालेंगे। अब मैं इसमें 4 छोटी चम्मच लाल मिर्च ऐड करूँगी। मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करी है, जिससे कलर भी आएगा और थोड़ा तीखापन भी आएगा। और इसके साथ हम 1 छोटी चम्मच खोपरा घिसा हुआ ऐड करेंगे और 1 छोटी चम्मच हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे। मसाला अच्छे से भुन चुका है, तो अब हम इसमें बॉयल्ड छोले ऐड करेंगे। छोले ऐड करने से पहले हम इसमें से तेज पत्ता, खड़ी मिर्च, तारा फूल निकाल लेंगे और छोलों को मसाले में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए इन्हें चलाएंगे। और साथ ही साथ हम आलू को भी तोड़ लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। अब हम इसमें उबला हुआ गर्म पानी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पानी कम डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े थिक ग्रेवी के अच्छे लगते हैं।
आप चाहे तो और पानी अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें एक छोटी चम्मच छोले मसाला ऐड करेंगे, इससे छोलों का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेंगे। और थोड़ा सा धनिया हम इधर ऐड करेंगे और थोड़ा सा धनिया गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे वापस से। बस अब हम बचा हुआ खोपरा और हरा धनिया से इसे गार्निश कर लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो बस अब गर्मा गर्म छोले रेडी है। गाइस, एक बार इस तरह के छोलों को बनाकर आप ज़रूर देखिएगा, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। एंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये छोले कैसे लगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इंतज़ार किस बात का है, इससे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा करके ऐसी स्वादिष्ट रेसिपी से जुड़े रहें। थैंक यू।